गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो आने वाली है Q&A प्लस अपडेटेड मेकअप रूटीन। मैंने सोचा कि मैं Q&A बना ही रही हूँ तो मुझे कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए। एक्साइटिंग तो ऑब्वियसली कुछ है नहीं मेरी लाइफ में अभी, तो मैंने सोचा कि अपडेटेड मेकअप रूटीन ही बता दिया जाए। एंड गाइज मेकअप हैज नो जेंडर, सो अगर बॉयज भी देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं कि वो भी अपना मेकअप कैसे कर सकते हैं जिनको पसंद है मेकअप करना। So without any further ado, let's get into the video. Alright guys, so सबसे पहले तो मैं moisturizer लगाऊंगी। एंड इससे पहले मैंने serum लगाया था क्योंकि अगर आप अपनी skin ही moisturize नहीं करने वाले ना तो आपका मेकअप भी बहुत बेकार लगने वाला है। सो सबसे पहले करेंगे हम स्किन को मॉइस्चराइज। एंड yesterday आई वॉज वॉचिंग स्ट्रेंजर थिंग एंड मुझे इतना मजा आया देखने में, मतलब आई वॉज लाइक डूड वेखना कितना ज्यादा मतलब अजीब तरह से मारता है लोगों को। बट मैं बताना नहीं चाहती अभी, जिसने नहीं देखा होगा स्ट्रेंजर्स थिंग तो मेरे पीछे ना पड़ जाए कि आप क्यों स्पॉयलर्स दे रहे हो। एंड जब मैं सेटअप कर रही थी तो मेरा नेल टूटा नहीं, मतलब क्रैक पड़ गया, बट ऑब्वियसली मुझे इसको फाइल करना पड़ेगा या इसको कट करना पड़ेगा देन फाइल करना पड़ेगा। सो गाइस मैंने ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी Q&A की, जो भी आपने क्वेश्चंस पूछने आप पूछ सकते हो, जो भी एक्टिव यूजर्स इंस्टाग्राम पे हैं, जो कनेक्टेड है यूट्यूब से भी, तो आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। और ऐसे हमारा मॉइस्चराइजर हो गया, तो मॉइस्चराइजर होने के बाद हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं क्या करती हूँ, मैं K-dramas देखती हूँ फ्री टाइम में, YouTube वीडियोस देखती हूँ कि आगे क्या बनाया जाए। तो आई वॉच टर्किश ड्रामास, सम रैंडम सीरीज जिसका ट्रेलर मुझे पसंद आ गया, YouTube वीडियोस। आई रियली लाइक टू वॉच हाउ टू ग्रो इन YouTube वीडियोस, अर्ली वीडियोस लाइक बहुत ज्यादा ना अच्छा लगता है, लाइक जब वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। सो मैं वो देख रही हूँ आजकल फ्री टाइम में। म्यूजिक तो मैं मतलब बहुत सुनती हूँ, तो बस यही करती हूँ यार मैं फ्री टाइम में, और कुछ नहीं करती। मैं बहुत शांत बंदी हूँ घर पे, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बैठी रहती हूँ एक कोने में। ऑलराइट, ओके। सो ये जो मेकअप रूटीन है ये मेरा ना विदाउट फाउंडेशन है, क्योंकि मैं डेली लाइफ में ज्यादा फाउंडेशन लगाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ कंसील करती हूँ एंड दैट्स इट, आई एम गुड टू गो। आई यूज टू कंसीलर, मिस क्लेयर का इन द शेड 04 फेक इट वाला एंड मेबेलिन का 25 मीडियम। सो बेसिकली मैं यही लगा लेती हूँ और मेरा काम हो जाता है। बट कभी कभी ना मुझे जब एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए हो तो मैं पहले ये लगाती हूँ क्योंकि ये मेरे स्किन टोन के साथ मैच होता है, एंड देन मैं हाईलाइटिंग पर्पज के लिए ये लगा लेती हूँ। सो लेट्स डू दैट, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये करते करते बताऊंगी। व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग राइट नाउ? एंड फेवरेट सॉन्ग मेरा है साइलेंस। आप टाइप करोगे साइलेंस तो ना एक स्पॉटिफाई पे अगर देखोगे साइलेंस टाइप करोगे तो जेन करके, जे से कुछ सिंगर का नाम, वो मेरा फेवरेट है। और एग्जिस्टेंस फ्रॉम अनदर ड्रामा आल्सो। मैं गाने बहुत लैंग्वेजेस में सुनती हूँ, लाइक टर्किश, कोरियन, स्पैनिश। आई जस्ट लव डिफरेंट लैंग्वेजेस, आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीजन आई जस्ट लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स लाइक जो मतलब अलग भाषा में हो। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। व्हाई डिड यू बिकम अ यूट्यूबर? बिकॉज आई लव कैमरा यू ऑल, आई जस्ट लव कैमरा, आई जस्ट लव फिल्मिंग। एंड ये शुरुआत से ही, ऐसा नहीं है कि मतलब सडनली मुझे कुछ हुआ और मैंने बोला कि भैया मेरे को यूट्यूबर बनना है, ऐसा कुछ होना है। मैं स्कूल टाइम से ही ना, हाई स्कूल से ही मतलब ये सब कैमरा और ड्रामा और ये सब में थी। लाइक स्कूल में भी आई यूज टू टेक पार्ट इन ड्रामास, इंग्लिश ड्रामास और विलियम शेक्सपियर ड्रामास, आई यूज टू एक्ट, और भी एक्टिविटीज एक डांस हो गया, म्यूजिक हो गया। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको अपनी ना एल्बम दिखाऊंगी स्कूल की, जिसमें मैंने एनुअल फंक्शंस में पार्ट लिया हो, या मतलब मेरे पास बहुत अच्छी मेमोरीज है, मेरे पास बहुत सारी फोटोज है, तो आई एम गोना शेयर दैट। सो यार मुझे बस कैमरा और कैमरा भी नहीं बोल सकते, सबसे पहले मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है, एक्टिंग एंड कुछ भी हो जाए तो बस सबसे पहले टिकटॉक आया, टिकटॉक पे मैंने वीडियोस आने शुरू कर दी। फिर आउट ऑफ नोवेयर लाइक ऑन इंस्टाग्राम आई यूज्ड टू पोस्ट मेकअप वीडियोस इन माय फर्स्ट ईयर आई गेस कॉलेज का, तो वो भी एक साइड आला। एंड मतलब मैं जो मेरे मन में आता मैं करती हूं, तो मैंने फिर यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, सांस चढ़ गई मेरे को। Could you live without the internet? No, I can't. Because I just love music and मैं सारे गाने Spotify में सुनती हूँ,
और मुझे सीरीज देखना पसंद है यार, तो पसंद है उसमें कोई गलत बात नहीं। अगर आपको भी पसंद है तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोगों को सीरीज देख के सुकून मिलता है, कुछ लोगों को बाहर जाके सुकून मिलता है, कुछ लोगों को फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करके सुकून मिलता है। तो मेरे लाइफ में मेरे अभी स्टेज पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मुझे सिर्फ सीरीज देख के ही सुकून मिलता है यार। ये मेरा तरीका है अपने आप को लाइक बिजी रखने का। हाँ, क्योंकि आज के टाइम पे सब बिजी है यार, और मतलब किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कुछ, तो यार इट्स बेटर टू वॉच सीरीज। लेट्स मूव ऑन, दैट्स योर मेन टाइप ऑफ स्टाइल। तो इसको सेट करते हैं, फिर मैं आपको अपना फेवरेट स्टाइल टाइप बताती हूँ। आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर का पैलेट, बनाना पाउडर। मैंने मेकअप बहुत टाइम से नहीं किया, तो इस वीडियो के चक्कर में मेरा मेकअप भी हो गया। बट इज माई स्टाइल टाइप, मेरा ना स्टाइल वक्त के साथ ना बदलता रहता है। बट नाउ आई एम मोर इन टू ओवर साइज क्लोथ्स। आज मैंने फॉर अ चेंज ये वाली टी पहनी है जो मैंने H&M से ली थी, तो मैं जनरली अब पहनती नहीं हूँ टाइट फिटेड और टी शर्ट्स। आई एम मोर इन टू ओवर साइज क्लोथ्स। बट मैंने आज सोचा कि यार कुछ अलग करा जाए, क्योंकि मैं इतनी बारी ओवर साइज टी शर्ट पहन चुकी हूँ कि अब मेरे पास ओवर साइज टी शर्ट्स की भी कमी हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है सबने देख रखी है, ये हर एक लड़की का होता है यार। नहीं कह सकते कि तुम ऐसा नहीं सोचते कि यार ये वाली टी शर्ट तो सबने देख ली है, अब मैं दोबारा पहनूंगी, कितनी बार पहन चुकी हूँ और दोबारा पहनूंगी तो लोग बोलेंगे कि भाई इसके पास कपड़े नहीं है। बट यार कपड़े तो बहुत है। बेसिकली आई जस्ट लव ओवर साइज क्लोथ्स। टाइम के साथ मेरा फैशन सेंस भी बदलता रहता है, लाइक अगर इस साल कुछ है तो अगले साल कुछ होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू रादर रेन और सन? आई एम मोर ऑफ अ रेन पर्सन। आई नो बारिश के बाद बहुत महसूस हो जाता है, बट जो मौसम होता है, जो मतलब हवा में वो जो महक होती है ना, वो गीली मिट्टी की और ऑल दैट, तो समझ जाओ। और बहुत मन करता है कि लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ, जब बारिश हुई बहुत मजा आता है यार, मौसम बहुत अच्छा होता है। आई लाइक रेन। लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन अनॉय यू? सो मेनी फ्रिकिंग थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। मैं ना ब्राउज ऑफ कैमरा करके आती हूँ, क्योंकि इट विल टेक टाइम एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। गाइस, सो माय ब्राउज एंड डन, एंड हमारा क्वेश्चन था व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन अनॉय यू। सो आई एम अ वेरी नॉट क्या बोलते टची काइंड ऑफ पर्सन, लाइक आई वांट माय स्पेस। सो जब कोई अननेसेसरी इरिटेट कर रहा हो ना, लाइक ऐसे ऐसे करके, या गाल खींच रहा हो मेरे, या मतलब ऐवी पंगे ले रहा हो ना, तब मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। लाइक मुझे ना बड़ी क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में, काली पड़ती है, पता नहीं क्या बोलता है। सो मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग लगता है वो। आई जस्ट डोंट लाइक दैट, ऐसे ऐसे मत कर या गाल वाल मत खींच, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। बट कभी कभी ऐसा नहीं कि हर टाइम ही होती हो, कभी कभी मतलब मुझे जब नहीं पसंद तो नहीं पसंद। तो ये था मेरा जो मुझे बहुत जल्दी अनोय कर सकता है। और दूसरी चीज, जब कोई खाना चप चप करके खा रहा हो, लाइक ऐसा करके खा रहा हो, मुझे नहीं पसंद वो चीज। तीसरी चीज, ये बहुत दुनिया में इतनी सारी चीजें जो मुझे अनॉय करती है, nice. बट दो ही तक सीमित रहते हैं हम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज योर फेवरेट फूड रिसेंटली? तो ऐसा मतलब घर का खाना या बाहर का खाना? अगर घर का खाना तो मुझे पनीर बहुत पसंद है, मुझे भिंडी बहुत पसंद है, मुझे चापे बहुत पसंद है। एंड अगर बाहर की देखी जाए तो मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, मुझे पास्ता बहुत पसंद है। दैट्स इट। सो फर्स्टली आई एम गोना कर्ल माय लैशेस। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर क्रश, ये तो अगर आप मेरे को जानते हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं जानते तो वो है बुराक डेनिस। एंड अगर कोई नहीं जानता बुराक कौन है, तो वो टर्किश एक्टर है। एंड आई जस्ट लव लाइक वी फ्रॉम BTS, इज जस्ट लाइक सो क्यूट, फनी एंड जस्ट अडोरेबल। सो या BTS का वी। आई एम यूजिंग Maybelline न्यू यॉर्क द हाइपरकर्ल आई वॉश मस्कारा। मेरा क्रश तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज बुराक डेनिस, एंड करेंटली वी भी है, बिकॉज ही इज जस्ट अडोरेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज योर अपकमिंग लाइफ प्लान्स? सी, लाइफ को कभी तुम प्लान करके नहीं चल सकते, ऐसा मेरा मानना है। लाइफ बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्लान आउट तो तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ के साथ, बट ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा प्रेजेंटली। ओके, सो अभी तो मेरा सिर्फ फोकस है यूट्यूब पे, एंड जिसको नहीं पता, आई एम ऑल्सो परस्यूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश।
उसके लिए भी मतलब मेरा यही था कि मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बट द मेन फोकस इज यूट्यूब ओनली। तो अभी तो बस यूट्यूब ही है। एंड मैंने देखा है कि कभी भी कुछ भी लाइफ में प्लान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाता है लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इतनी फिट कैसे हैं? यार मैं किस एंगल से तुम्हें फिट लग रही हूँ? अगर आप बोल रहे हो कि आप एकदम स्लिम कैसे हैं और मतलब क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस खाती बहुत हूँ बट लगता नहीं है, और लगता है तो कहाँ लगता है मुझे आज तक नहीं पता चला है। थोड़े दिन पहले सैड थे, क्या हो गया था? ओनली इफ इट्स नॉट पर्सनल। सो द थिंग इज, थोड़े दिन पहले ना जैसे कि आपको पता होगा सिद्धू मूसेवाला, एंड अभी रिसेंटली दो दिन पहले के जो सिंगर थे उनकी डेथ हो गई। एंड मुझे सीरियसली ना मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हिट करती हैं, तो आई वॉज लाइक सो शॉक्ड। एंड क्या बोलूँ यार, 28 ईयर्स के थे वो भी सिद्धू मूसेवाला, एंड उनके पेरेंट्स पे क्या बीती होगी वो सब कुछ की, मतलब बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने एक लाइफ के मैंने सिर्फ एक स्टोरी डाली थी अबाउट लाइफ कि भैया जो आज है जी लो, जितनी जी सकते हो, खुश रहो, प्रेजेंटली खुश रहो, जो लोग गए हैं उनके लिए दुआ करो, एंड आगे अपनी लाइफ के लिए दुआ करो कि सब अच्छे रहें आसपास और खुश रहो, छोटी छोटी मोमेंट्स लिव करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कब क्या हो जाए। जितना मैंने देखा, क्योंकि मेरे खुद की फैमिली में ऐसे लोग गए हैं ना, मतलब ऐसे गए ना, इंक्लूडिंग माई डैड, ऐसे गए ना कि तुमको मैं बता नहीं सकती। दो साल में ना आधा फैमिली इज लाइक खत्म। तो ये किसी को पता नहीं है, मैं बताती नहीं हूँ, बट इस पे एक मैं अलग सी वीडियो बनाना चाहूंगी, ताकि जो लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, जिनके फैमिली में से मेंबर्स ऐसे ही गए हैं या अननेचुरल डेथ्स हुई हैं, उनको थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो ज्यादा सीरियस ना होते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ, इस पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी आगे, इसके लिए भी मुझे हिम्मत चाहिए होगी। ओके, सो डू यू मिस मी? ये महक ने पूछा है। महक, तू मुझे मिस करती है? मैं पहले ये पूछना चाहूंगी। लेट मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेट वर्थ मनी का सिंबल, बट राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग आउट ऑफ यूट्यूब। मेरा भी मोनिटाइज नहीं हुआ है चैनल, तो यार तुम देखो, शेयर करो वीडियोज, मोनिटाइज होगा फिर मैं तुम्हें बताऊंगी ना नेटवर्थ क्या है। बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैं कोलैप्स करूँ कोई इंस्टाग्राम पे, तो वंस अ वाइल आई गेट पेड एंड या दैट्स इट, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। इंस्टाग्राम पे पेड कोलैबोरेशन की है, बट वो सब यार अब हो चुका है, ठीक है। अब मेरा फोकस है यूट्यूब, तो यूट्यूब को मोनिटाइज कराओ ना तुम, है वायरल करो मेरी वीडियोस, हैं फिर मैं बताऊंगी मेरी नेटवर्थ क्या है, ठीक है। फिर तो मैं हक से बताऊंगी तुम्हें मेरी नेटवर्थ क्या है। यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का ब्लश, मैं बातों में बताना भूल गया आप लोगों को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फाइंड योर फ्यूचर 5 years फ्रॉम नाउ? मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल यूट्यूबर की तरह देखती हूँ, हैप्पी गो लकी। मैं अपने आप को 5 साल बाद बहुत ज्यादा खुश, अपने गोल्स को अचीव करते हुए, सक्सेसफुल यूट्यूबर बनते हुए, जो मुझे पसंद है वो करते हुए, एंड बहुत अलग चीजें करते हुए देखना चाहती हूँ, एंड वो मैं करूँगी और वो होगा। और सबसे बड़ा है कि खुश रहना चाहती हूँ मैं, ठीक है, लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू गेट 1 million सब्सक्राइबर्स? ऑफ कोर्स, ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में कि तुम वो नहीं कर सकते हो। तो 1 million सब्सक्राइबर्स मेरे होंगे, बेशक अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग डेज चल रहे हैं कि मतलब अभी यार बेस बनाना है, ठीक है, सब कुछ करना है, बट स्टेप बाय स्टेप सब होगा यार, लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। मेहनत करते जाओ और वीडियोस पोस्ट करते जाओ, जो पसंद करेगा तुम्हें वो आते जुड़ते जाएंगे, जैसे बहुत सारे नए लोग अभी जुड़ेंगे इस वीडियो के बाद। तो बस ऐसे ही है मेरा मानना। और 1 million क्या यार, मैं 10 million करके दिखाऊंगी, 1 million तो आपने कम बोल दिया। ओके, सो ब्लश हमारा हो गया, इसके बाद हम थोड़ा सा ना कई ब्लश को आईज के ऊपर भी ऐसे कर देंगे। अब हमारा है लिपस्टिक का, वो सिलेक्ट करती हूँ मैं। उससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ ओल्ड आर यू? ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब मेरी एक शॉर्ट वायरल हो गई थी, एंड उसमें सब लोग पूछ रहे हैं कि तुम कितने साल के हो, एंड वो बेसिकली यूएसए जर्मनी यूके में वायरल हुई थी। एंड फनी थिंग इज, मैं उसमें कैप्शन लिखना भूल गई थी, तब मैं ऐसे ही पोस्ट कर दिया था, एंड वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई।
एंड वो बहुत ज्यादा ये क्रिटिसिज्म मिल रहा है उस YouTube शॉर्ट को, क्योंकि मैंने यार पीओवी में डाला था एंड मैंने जस्ट फॉर फन बनाई थी, बट लोगों ने कुछ और ही टेंशन में ले गए। बट द थिंग इज वहां पे सब हैरान है कि भैया आपकी एज क्या है, आप इतने साल के हो, आप कैसे हो, आप लगते नहीं हो। बट आई एम 22 गाइस, आई एम 22 इयर्स ओल्ड। ओके राइट गाइस, सो आई एम यूजिंग अ लिप लाइनर। तो ये दोनों लिपस्टिक्स हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी लगाऊं जो मेरे साथ जाएगी, ये लगाऊं या ये लगाऊं, कौन सी लगाने का निकाल। आई गेस आई एम गोना गो विद दिस लिपस्टिक। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो YouTube पे एक्चुअली मैंने पूछा था, मैंने एक ही दिन में दोनों जगह डाले थे। एंड YouTube पे अभी ज्यादा लोग ना एक्टिव रहते नहीं है, लाइक सिर्फ वीडियोस देखते हैं एंड ये, बट कुछ कुछ है जो वहाँ पे भी कम्युनिटी पोस्ट पे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो उसमें से एक ने पूछा था कि आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते। पहले मैं लिपस्टिक लगाती हूँ फिर बताती हूँ। ओके लिपस्टिक हमारी डन हो गई। मैं डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती, सो द फर्स्ट थिंग इज लाइक मुझे लगता नहीं कि मेरी लाइफ में इतना कुछ इंटरेस्टिंग होता है कि मुझे डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए, बट मुझे डेली व्लॉगिंग का बहुत शौक है। आई माइट डू दैट फ्यूचर में, बट आई डिसाइडेड कि इन जुलाई आई एम गोना डू 30 days 30 vlog challenge। फॉर 30 days आई एम गोना व्लॉग एंड शूट एंड जस्ट पोस्ट स्टफ एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड होप सो कि मुझे बहुत सारी ऑडियंस मिले। तो यार दैट्स व्हाई आई डोंट डू डेली व्लॉगिंग, बट आई माइट ट्राई इट फ्यूचर में। बट इन जुलाई आई एम गोना डू 30 days 30 vlog challenge, सो बी रेडी फॉर दैट। तो नाउ आई एम गोना यूज दिस हाइलाइटर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड मैंने इसका क्या हाल कर दिया आप देख सकते हो। ये शेड है प्रेशियस पेटल्स और हमारे क्वेश्चन गाइस खत्म हो चुके हैं। और अगर आप न्यू हो, अगर आपने न्यू अभी अभी ज्वाइन किया है मेरे यूट्यूब को, तो हाय आई एम कनिका एंड आई एम ग्लैड यू आर हेयर। सो यही थे क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने इंस्टाग्राम पे पूछे थे आप लोगों से, एंड आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे विच इज लाइक रियली ग्रेट। आई हैव माय टू मेन अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो। आपको जो ज्यादा अट्रैक्ट करे इंस्टाग्राम पेज उसको फॉलो करो, अगर नहीं करता अगर दोनों ही आपको पसंद है दोनों फॉलो कर लो। सो ये मैं इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी। एंड गाइस बताओ नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊं। मुझे ना बहुत टाइम से था कि मुझे ना क्यू एंड ए बनाना है, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था मैंने तब क्यू एंड ए बनाया था, और तब का जब मैं क्यू एंड ए देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है भाई क्या कर रही थी कनिका, तू कैसी लग रही थी। बट यू नो व्हाट, स्टार्टिंग में सब ऐसे ही होता है, ठीक है, तुमने शुरू करना बस। और मेरे पास वो कॉन्फिडेंस था कि मैंने शुरू कर दिया, मेरा मेकअप हो गया डन, दिस इज माय डेली मेकअप रूटीन एंड लिपस्टिक आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो। So yeah, that's it for today's video guys. I hope you like this Q&A session with updated makeup routine and I'm gonna meet you in the next video. Stay tuned for that. Bye K-Fam, love you.